नमस्ते करते हैं नारायणी भक्त मंडल में, जिस तरह का आप पटना साहिब यानी कि बारह मील से लेकर सनातन धर्म में आने तक भव्य ये पटना साहिब में पहली बार, क्योंकि सिखों के दसवें गुरु में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 2 महीने पहले इस तरह का जो अपार जो भीड़ हुई थी श्रद्धालुओं की, उसके बाद दूसरा जो आता है तो नारायणी भक्त मंडल का है। आप यहाँ पर जिस तरह का आप देख सकते हैं कि भगवान शंकर जी हैं, पार्वती जी हैं, बहुत तरह का द्वारपाल है यहाँ पे, और तो और यहाँ ये लोग अपने कार्यक्रम के साथ में भव्य तरीके से शोभा यात्रा में शोभा मान को बढ़ाने के लिए इन्होंने अपने कला का प्रदर्शन किया है। इनसे भी पूछते हैं कि आपका क्या नाम हुआ? आशीष, ये बताइए कि आप अपना सीखते हैं और इस तरह का कार्यक्रम आपको कैसा उत्साह लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं तो सोचता हूँ कि हर समय ऐसा प्रोग्राम हो कि हम लोग आके इंजॉय करें और खास लोग भी इंजॉय करें। अरे सांप है, सांप है। और बताइए जिस तरह का जो आप अपने ग्रुप के साथ में कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इन लोग तो घर जाने के लिए नहीं छोड़ रहे, बोलते भैया और बता तो और अच्छा लगता है, क्या करें, दूर ही कम थी हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप बताइए क्या बने हैं आप? भोलेनाथ का क्या नाम हुआ आपका? ये भोलेनाथ का रूप ये है आर्यनाथ, और बाकी का तमाम दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो आप जो नाथ रूप देख रहे हैं बिल्कुल आप ये आप क्या कह सकते हो कि आप नकली नहीं समझिए, ओरिजिनल आप देख सकते हैं, ये आप जो ओरिजिनल आप देख सकते हैं। ये शोभा यात्रा में मान सम्मान बढ़ाने के लिए यहाँ नाग है। ये देखिए आप बहुत बड़ी तरह त्रिशूल भी आप देख सकते हैं, कैसा लगा इस जुलूस में? बहुत बहुत धन्यवाद। आप पार्वती जी बन गया पार्वती जी, आप यहाँ देख सकते हैं कि पार्वती का भी रूप है और दुर्गा का ही रूप है। क्या नाम हुआ आपका? आप बताइए कैसा उत्साह लगा आपको? नाचो गाओ खुशी मनाओ, के दादी आई है, आई है दादी आई है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर नारायणी भक्त के तमाम श्रद्धालु और साथ ये झांकी के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं देवेंद्र सिंह, साथ यूज क्राइम, पटना सिटी।